विज्ञान प्रदर्शनी में बाल वैज्ञानिकों का रहा जलवा, कहा बनेंगे वैज्ञानिक और इंजीनियर। बक्सर जिले के नावानगर से महज कुछ ही दूरी पर स्थित ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल परिसर में बाल वैज्ञानिकों से गुलजार रहा। शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने के लिए विभिन्न विधाओं में परिपूर्ण स्कूली बच्चे अपने प्रतिभा को बिखेर सबको अचंभित कर दिया। नन्ही सी मूर्त में इतनी बड़ी दिमागी उपज से ज्ञान विज्ञान प्रदर्शनी मेले का आयोजन में डायबिटीज, यूरिनल, प्रोटीन, किडनी एवं शुगर टेस्ट की विधाओं से अवगत कराते हुए नशे की लत से होने वाले कुप्रभाव से बचाने के लिए प्रयोग के माध्यम से दिमाग का अकल खोल दिया, जिसमें टेलीविजन हॉस्पिटल और आईटीआई की फुल कोर्स की विधाएं परिलक्षित हो रही थी। एक से बढ़कर एक दिमागी कसरत से ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल परिसर में स्कूली बच्चों ने विद्या का परचम लहराया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चे विज्ञान प्रदर्शनी मेले का हिस्सा बने। स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर दीपक कुमार सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा है, जहां विद्यालय में विभिन्न विधाओं का ज्ञान रूपी अमृत का घोट बच्चों को पिलाया जाता है। देहरादून, हरियाणा, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश से आने वाले अनुभवी शिक्षकों के द्वारा बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की व्यवस्था की गई है एवं पठन पाठन कार्य भी किया जाता है। विज्ञान प्रदर्शनी मेले का उद्घाटन नावानगर थाना अध्यक्ष जुनैद आलम, स्कूल डायरेक्टर दीपक कुमार सिंह, अध्यक्ष रमेश सिंह, प्रिंसिपल विश्व बिहारी सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करते हुए फीता काटकर किया। ओके थैंक्स। सर ये फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। और हम लोग इसको लकड़ी पे बनाएंगे। ये सीपीयू है, सीपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई, और ये मदरबोर्ड है, ये सब उसका पार्ट्स है। हम आपको वर्क करके दिखा रहे हैं। चलिए ओके थैंक्स। बेटा तुम यहाँ के नन्हे से विद्यार्थी हो, स्कूल में किस तरह की विद्या यहाँ दी जाती है? यहाँ पर हमें प्रेरणादायक विद्या दी जाती है और हमें बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर मिलता है, जिससे हम लोग आगे जाके बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, क्या बनने की शौक है? हम वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। वैज्ञानिक बनना चाहते हैं? हाँ। अच्छा, यहाँ डॉक्टर क्यों नहीं बनना चाह रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ पर विज्ञान से लेकर बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और विज्ञान से ही हम लोग आगे बढ़े हैं, इसलिए विज्ञान वैज्ञानिक ही बनना चाहते हैं। वाह, वेरी नाइस। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? साहिल गुप्ता। साहिल गुप्ता, क्या करते हैं पापा जी? बेटा पर यहाँ पर किस की जाँच हो रही है? ब्लड शुगर टेस्ट। वेरी गुड। यहाँ पर किस तरह की परफॉर्मेंस हो रही है? क्यों पटी जी, धन्यवाद। आप लोग यहाँ क्या सीखा प्रयोगशाला लगाए हैं? बेटा ये अभी क्या सीखा हो रहा है? ये सर ये रैट का डिसेक्शन है, इससे हम लोग सारे पार्ट्स को जान सकते हैं जो हम लोग। क्या चीज है? रैट डिसेक्शन। जी जी सर, ये इसका हार्ट है। अच्छा सर, आप यहाँ एक क्या ब्लड शुगर टेस्ट करा रहे हैं? अच्छा, तो ये नन्हे मुन्हे बच्चे अभी जो ब्लड शुगर टेस्ट कर रहे हैं, इससे क्या लगता है कि बच्चे आगे चल करके डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे? नहीं नहीं, देखिए ये जो प्रैक्टिकल, शुरू से जो प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ में रहेगा, तो इससे इन लोगों को लाइफ को भी जीने में आसानी होगी और प्लस के जो अपना इनका करियर होगा, करियर को भी बनाने में आसानी होगी। अपना परिचय बताएंगे? मैं मैनेजिंग डायरेक्टर पाइनियर लैब कंपनी पटना से आया हूँ। जी जी, रिप्रेजेंट करने के लिए, देखने के लिए बच्चों का मॉडल सर। जी जी, कैसा कैसा मिली थी कि हाँ, नहीं बच्चों ने काफी अच्छी मेहनत की है। हाँ, माने पटना शहर के बच्चों से कहीं पर ये लोग कम नहीं दिख रहे हैं हमको, बल्कि 2000 मार्चिंग अहेड, 2000 स्टैंडिंग अहेड इन देयर लाइफ। आई जस्ट एक्सप्रेस माई कॉन्ग्रेचुलेशन टू स्कूल मैनेजमेंट एंड द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स ऑल्सो। थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, धन्यवाद। मैं इस रूरल एरिया में हम लोग जब विद्यालय स्थापित किए तो उस समय कुछ शिक्षा का माहौल उतना बेहतर नहीं था, लेकिन हम लोग मेहनत की और उस रूप में चूँकि एक सोच थी कि देहात के ही बच्चे आगे जाकर IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर बने, और यहाँ के बच्चे पटना आ रहा है, चाहे बाहर में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो व्यवस्था हम लोग यहाँ पर देने की कोशिश करते हैं,
और 2013 में ही हमने स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चों को एजुकेशन देने का काम किया और साइंस एग्जीबिशन के माध्यम से हम लोग ये दिखाने की कोशिश किए हैं लोगों को कि आपके बच्चे क्या से क्या कर सकते हैं और कितना बेहतर कर सकते हैं, और यहाँ से निकलने के बाद वो किसी भी तरीके की या किसी भी क्षेत्र में किसी भी चीज़ का मोहताज ना हो और ये आराम से बखूबी वो इंजीनियर बन सके, डॉक्टर बन सके, आईएएस आईपीएस चाहे जिस सेक्टर में हो जाए अपना परचम लहराए। और जो सर देहरादून, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराते हैं, क्या ऐसे शिक्षकों को भी यहाँ बुलाया गया है ताकि जाना नहीं पड़े? यहाँ पर बाहर से भी हमारे यहाँ शिक्षक हैं, दार्जिलिंग से हैं, केरला से हैं, और लोकल में भी हमारे शिक्षक हैं, जैसे हमारे साइंस टीचर हैं, साइंस में प्रिंसिपल भी हैं, उनकी एक मतलब अहम योगदान कही जाएगी, और रिटायर्ड प्रोफेसर भी रह चुके हैं। तो इस तरीके के एक सामूहिक शिक्षक और शिक्षिकाओं को लेकर के हम लोग चले हुए हैं और बेहतर से बेहतर एजुकेशन, बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का हम लोग कोशिश करते हैं ताकि बच्चे आगे निकल करके एक साथ विभिन्न विधाओं का सर यहाँ पर दिया जा रहा है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, और बच्चे दूसरे पर निकल करके दिखा भी रहे हैं। जी, हम लोग कोशिश करते हैं कि हर सेक्टर में, हम तो एक ही पहले ही बोल चुके हैं कि वो डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, आईएएस भी बन सकता है, आईपीएस भी बन सकता है, तो सामूहिक एक एजुकेशन होना चाहिए, कौन बच्चा किस सेक्टर में आगे बढ़ेगा।